धे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस देश की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव यानी सेंसिटिव बींग घोषित किया है? आपके ऑप्शन हैं ए जर्मनी, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूनाइटेड किंगडम या फिर डी फ्रांस। इसका उत्तर है सी यानी यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को संवेदनशील जीव घोषित किया है, जिसका मतलब है कि इन जीवों में कुछ मात्रा में कॉन्सियसनेस यानी चेतना होती है, जिससे वे दर्द और पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे ब्रिटेन की सरकार ने मान्यता दी है। इन विशेषज्ञों ने 300 प्रजातियों के सेफालोपॉड्स जैसे कि ऑक्टोपस और डेकापॉड्स जैसे कि क्रैब और लॉबस्टर पर किए गए अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष ब्रिटेन की सरकार को सौंपा है और सरकार से सिफारिश की है कि इन्हें सेंटिमेंट बींग्स की तरह ट्रीट किया जाए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लॉबस्टर और क्रैब को जीवित रहते बॉयल नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें उबाला नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि यूनाइटेड किंगडम में इस दिशा में काम करने के लिए द एनिमल वेलफेयर सेंटियंस बिल तैयार किया गया है, जिसके पारित होते ही आधिकारिक यानी कानूनी स्तर पर ऑक्टोपस, क्रैब और लॉबस्टर को सेंटिमेंट जीव घोषित किया जा सकेगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व की 5 सर्वाधिक प्रमुख स्पेस एजेंसियों के गठजोड़ का परिणाम है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और विकास कार्य हैं। दूसरा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 250 मील दूर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में संक्रमण फैलाने वाले रोगाणुओं, विषाणुओं और बैक्टीरिया की जांच चल रही है। माइक्रोग्रेविटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का संबंधित संक्रमण से जुड़ा उपचार हो सके। और यह सब जाँच अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में चल रही है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इस स्पेस स्टेशन को शिमला में देखे जा सकने की समय सारिणी जारी की है। नासा की ओर से जारी सूचना के अनुसार रोगाणु जांच में माइक्रोग्रेविटी स्पेस फ्लाइट स्थितियों के दौरान बढ़े हुए माइक्रोबियल विषाणु और प्रतिरक्षा सेल फंक्शन में कमी के बीच संबंधों को समझा जा रहा है और इसके लिए 10 स्पेस यात्रियों के स्लाइवा और रक्त के सैंपल्स पर जाँच हो रही है। नासा के अनुसार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बड़ा स्पेस क्राफ्ट है यानी अंतरिक्ष यान है, और यह पृथ्वी के चक्कर लगाता है यानी ऑर्बिट करता है, और यह वह स्थान है जहां एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं। स्पेस स्टेशन एक साइंस क्लब भी है। कई देशों ने इसके निर्माण के लिए मिलकर कार्य किया है और वह मिलकर इसे उपयोग में भी लाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 250 मील दूर है। नासा इस स्टेशन का उपयोग अंतरिक्ष में रहने और काम करने के लिए सीखने हेतु करता है। यह दुनिया के 5 स्पेस एजेंसियों के गठजोड़ का परिणाम है, जिसमें शामिल हैं अमेरिका का नासा, रूस का रॉसकॉस्मोस, फ्रांस का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान का जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा, और कनाडा की स्पेस एजेंसी कनाडा स्पेस एजेंसी जिसे कहते हैं। 1998 में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पहली बार इन्हीं 5 स्पेस एजेंसियों द्वारा लॉन्च किया गया था और नवंबर 2000 से यह सक्रिय रूप से काम करने लगा था। इसमें अनुसंधान और विकास कार्य लगातार चलते रहते हैं, जैसे माइक्रोग्रेविटी में फूड कैसे उगाए जाएं आदि। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। सशस्त्र सीमा बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सशस्त्र सीमा बल का गठन वर्ष 2001 में गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था। दूसरा, इसका मुख्य कार्य भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करना है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है बी। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर अवैध संचरण को रोकने को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। एसएसबी ने नेपाल मूल के 2 अमरीकी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। भारत में प्रवेश करने हेतु उनके पास वैध दस्तावेज नहीं होने के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया है। नेपाली मूल के ये अमरीकी नागरिक दार्जिलिंग का दौरा करने के बाद नेपाल जा रहे थे।
इसलिए यह कार्रवाई की गई है। SSB देश का प्रमुख सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बल है। 1963 में इसका गठन हुआ था जब भारत चीन युद्ध हुआ था उसके बाद, और 2001 में सशस्त्र सीमा बल को एक सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स घोषित किया गया था, न कि 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2003 में गृह मंत्रालय ने इसका नाम सशस्त्र सीमा बल रखा था, क्योंकि शुरू में इसका नाम सशस्त्र सीमा बल नहीं था। 19 जून 2001 को इसे भारत और नेपाल के सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, और 2004 में इसे भारत भूटान सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई, और इसे एक प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आसूचना अभिकरण भी घोषित किया गया था। वर्तमान में यह नेपाल और भूटान की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, हाल ही में इस देश के विदेश मंत्रियों की बैठक इस्लामाबाद में हुई है। बी, इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में स्थित है। सी, यह यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर डी, भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य यानी ऑब्जर्वर मेंबर है। इसका उत्तर है डी, यानी भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य देश नहीं है, जबकि ऑप्शन में दिया गया है कि भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य देश है। इस्लामिक सहयोग संगठन अभी अपने विदेश मंत्रियों की इस्लामाबाद में हुई बैठक के लिए चर्चा में है। 19 दिसंबर को यह बैठक हुई। OIC के 20 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया है, और इसमें अफगानिस्तान की सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी, और यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या 57 है। इसमें 40 मुस्लिम बहुल देश हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य नहीं है, हालांकि कतर और बांग्लादेश ने भारत को इसका पर्यवेक्षक सदस्य बनाने की मांग की है। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं ए, इसे केंद्र सरकार द्वारा 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 में यानी PM 2.5 और PM 10 में 20-30% की कमी करने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था। बी, इसके तहत पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन यानी संकेंद्रण की तुलना के लिए 2018 को आधार वर्ष बनाया गया है। सी, इसके तहत लक्ष्यों को प्राप्त न करने वाले 122 शहरों यानी नॉन अटेनमेंट सिटीज की पहचान हाल के समय में की गई है। और डी, ऐसे शहरों की पहचान के लिए 2014 से 2018 के मध्य के एयर क्वालिटी डेटा को लिया गया है। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के नेशनल एपेक्स कमेटी की हाल ही में हुई पहली बैठक में कहा गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंड का उपयोग करने में कई राज्य असफल रहे हैं, और इससे जुड़े आंकड़ों को हाल ही में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने जारी भी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 2018-19 से 2020-21 के लिए 114 शहरों को 375.44 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जबकि 2021-22 के लिए 82 शहरों के लिए 290 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि 2021 से 2026 की अवधि के लिए एडिशनल 700 करोड़ रुपए और भी दिए जाएंगे। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े में कहा गया है कि NCAP के तहत कुल 22 राज्यों ने सामूहिक स्तर पर कुल निर्गत राशि यानी 375.44 करोड़ रुपए जो निर्गत किया गया है, उसका केवल 33.53% का ही उपयोग किया है। इस प्रकार NCAP के तहत निर्गत राशि के प्रयोग में राज्य सक्रिय नहीं पाए गए हैं। दरअसल NCAP 132 गैर प्राप्ति यानी नॉन अटेनमेंट शहरों को कवर करता है जो निर्धारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों यानी NAAQS को पूरा नहीं करते हैं। इन शहरों की पहचान राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम के तहत 2011 से 2015 की अवधि के दौरान प्राप्त परिवेशी वायु गुणवत्ता यानी एम्बियंट एयर क्वालिटी के आंकड़ों के आधार पर की गई है।
132 शहरों में सिटी स्पेसिफिक प्लान्स को लागू करने के लिए एनसीएपी के तहत काम शुरू किया गया था। और वहीं भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार हाल के समय में 122 गैर प्राप्ति यानी नॉन अटेनमेंट शहरों की पहचान की गई है जहां वायु गुणवत्ता सुधारनी है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत से अभ्यर्थी 5 में से 4 या 3 या 5 में से 5 भी उत्तर बता रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन जो लोग 5 में से 2 या 1 बता रहे हैं या जो शून्य भी जिनके प्राप्त हो रहे हैं, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सवाल या जो भी टॉपिक इसमें कवर किए जा रहे हैं क्वेश्चंस में, उसको आप अपना करंट अफेयर का एक नोट्स बनाइए, उसमें पॉइंट आउट करिए। ये आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा और ये आपके करंट अफेयर के भंडार में शामिल होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।